So hey everyone, welcome back to our channel again. This is Diksha and you are watching PTS CAT Expert. So guys, आज के इस वीडियो में हम एक एक्सटीरियर एलिवेशन को स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करने वाले हैं. इस वीडियो में हम मॉडलिंग के साथ साथ मटेरियल एंड लाइटिंग को भी कवर करेंगे. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. एंड अगर आप हमसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहते हैं सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा. सो आप कॉन्टेक्ट करके हमसे अपकमिंग बैचेस की डिटेल्स ले सकते हैं. सभी ट्रेनिंग्स में हम सॉफ्टवेयर को इन डिटेल कवर करने वाले हैं. तो चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आपको इसमें कैड फाइल को इंपोर्ट करना है. सो इंपोर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ से आपको इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है. एंड जहाँ पे भी आपकी फाइल है उसको जस्ट आप सेलेक्ट करेंगे कैड फाइल को. कैड फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से वापस से इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. तो इस तरीके से आप इजीली जो कैड फाइल है उसको इंपोर्ट करा सकते हैं. देन हम यहाँ पे वॉल्स वगैरह को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे. तो वॉल्स को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल को चूज कर रही हूँ. एंड जितने भी पोर्शन में डोर है वहाँ पे सिंपली पहले टाइप से रेक्टेंगल बना लेंगे आप. देन उसके बाद आप यहाँ से पुष्प वाले ऑप्शन को चूज करेंगे. एंड यहाँ से मैं उसको 11 फिट का हाइट दे रही हूँ. आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर जैसे यहाँ पे हमने एक वॉल बना ली, देन आप कंट्रोल के साथ पीछे की तरफ मूव करेंगे एंड जितने भी पोर्शन में इस तरीके से वॉल है वहाँ पे आप इसी को एक्सट्रूड करा सकते हैं. कंट्रोल के साथ जाएंगे नीचे 3 फिट, देन इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे. बॉटम से भी मैं यहाँ से 3 फिट ले रही हूँ. तो इस तरीके से जितनी भी यहाँ पे वॉल्स रहेंगी आपको सिंपली उसको ड्रॉ कर लेना है.
इसके बाद आपको पूरे कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 4 से 5 टाइम क्लिक करेंगे आप, देन इसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ग्रुप के अंदर जाएंगे और जितने भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आपको सिंपली इरेजर की हेल्प से इस तरीके से रिमूव कर देना है। तो जितने भी एक्स्ट्रा लाइंस होंगे यहाँ पे हम इसी तरीके से उन सभी लाइंस को क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। जस्ट आप ओनली आउटर का भी कर सकते हैं ताकि आपको मटेरियल में प्रॉब्लम ना आए, बट अगर आप इंटीरियर का पोर्शन भी इसमें कवर करना चाहते हैं तो आपको इंटीरियर वाले पोर्शन के भी जितने भी लाइंस हैं उसको यहाँ से रिमूव करना होगा। सिमिलरली जो ये वाला पार्ट है ये बिल्कुल सेम है, सो हम इसी को कॉपी करेंगे। एंड लास्ट इस वाले पार्ट के लिए मैं सिंपल यहाँ पे सेम मेथड रहेगा, आप रेक्टेंगल की हेल्प से बना सकते हैं या फिर आप इसमें प्लगइन का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्लगइन की हेल्प से बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन होता है वॉल्स क्रिएटिंग का, तो आप इसकी हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं वॉल को। इसके वजह से आपको थिकनेस देनी होती है, सो आप इसको यहाँ से मेज़र कर सकते हैं कितना थिकनेस है ये। सो ये 4.5 इंचेस हैं एंड पीछे वाले पार्ट में ही 9 इंचेस है, तो आप ओनली 4.5 वाली ले लीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है 4.5 इंचेस एंड आपको हाइट कितनी रखनी है वो आप बता देंगे। देन आपको करना है बिल्ड वॉल पे क्लिक, फर्स्ट पॉइंट देंगे और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं वॉल्स को ईजिली बिल्ड कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट लेने के बाद जैसे आपको वहाँ पे एंटर को प्रेस करना है, सो आप इस तरीके से भी वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं और आप सिंपली रेक्टेंगल की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसके अंदर फ्लोर को क्रिएट करना है, तो यहाँ से मैं इन दोनों पोर्शन को हाइड कर रही हूँ, तो आपको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे और उसको क्या कर देंगे यहाँ से हाइड कर देंगे। देन आपको पेंसिल को ले लेना है और जितने भी पोर्शन के अंदर यहाँ पे फ्लोर है वहाँ पे आप इस तरीके से जस्ट पेंसिल ले लीजिए एंड जितने भी पोर्शन में फ्लोर है वहाँ पे आपको इस तरीके से एक क्लोज शेप बना देनी है। शेप बनाने के बाद आपको ले लेना है यहाँ से वही पुशफुल वाले ऑप्शन को और उसको यहाँ से एक्सट्रूड कर देंगे। सो अभी के लिए मैं 9 इंच कर रही हूँ, बाद में अकॉर्डिंग टू प्लान हम इसको चेंज कर सकते हैं। ग्रुप बनाएंगे इसका
एंड इसकी आपको एक कॉपी ले लेनी है। तो यहाँ से इसे पिक करेंगे एंड इस वाले पोर्शन में रख देंगे। तो इतना करने के बाद हम यहाँ से अनहाइड करेंगे सभी ऑब्जेक्ट्स को एंड इस वाले पोर्शन के लिए बाद में बना लेंगे। अभी हमें इसको प्लेस करना है, तो प्लेस करने के लिए इसको सिलेक्ट करना है आपको और यहाँ से ऐसे एक फेस को लेना जो कि उसके अंदर भी ऑलरेडी हो। तो हमने यहाँ पे ये वाले फेस को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से पिक करना है आपको और इस पोर्शन पर ले जाके उसे यहाँ पर प्लेस कर देना है। इस वाले पोर्शन में भी यहाँ पे हमें शाफ्ट देना है, सो इसको भी मैं बॉटम तक ले जा रही हूँ। ये वाला प्लान सेम रहेगा, तो जस्ट आपको इसको यहाँ से इसकी कॉपी ले लेनी है। तो सिलेक्ट करेंगे इसे और यहाँ से कॉपी लेने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ मूव करना है। देन एक्सिस को भी आप लॉक कर सकते हैं, तो आपको अप एरो प्रेस कर देना है ब्लू एक्सिस को लॉक करने के लिए। देन इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे भी हम प्लेस कर देंगे। इस तरीके से एंड लास्ट इस वाले पोर्शन में भी हमें मुमती वाले फ्लोर के लिए जो हमें रूफ बनानी है उसको भी मैं सेम तरीके से बना रही हूँ यहाँ पे। करेंगे सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे और जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको आपको रिमूव कर देना है। सिलेक्ट करना है फेस को और उसको 9 इंच क्या करना है यहाँ से एक्सट्रूड करना है। इस पोर्शन तो यहाँ से मेजर करेंगे हम, तो ये 9 इंच के बाद है एंड हमें कितने पोर्शन में लेना है इसे
4 फिट एंड 2.5 इंचेस के बीच में लेना है। तो इसके लिए आप एक पेंसिल ले लीजिए एंड वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उस लाइन को सिलेक्ट करना आपको और यहाँ से उसे पिक करके आपको उस पोजीशन पे रख देना है। तो यहाँ पे रखेंगे हम, तो ये इतने वाले पोर्शन में है। तो यहाँ से सेट करेंगे अब फेस को, यहाँ से इसे हाइड करेंगे एंड इस वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना है इस तरीके से। कंट्रोल के साथ जाएंगे नीचे 3 फिट एंड इसको यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, वापस से जाना है आपको, मतलब 3 फिट तो यहाँ से रहेगा एंड इतना कितना जाएंगे नीचे से 3 फिट जाएंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे बॉटम वाले फेस को और यहाँ से अप की तरफ जाना है आपको 3 फिट। सेंटर वाले पार्ट को रिमूव करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से विदाउट कंट्रोल के साथ जाना है आपको एंड पीछे वाले फेस तरीके से रख देंगे, इस तरीके से बना लेना है। देन एडिट टैब में जाएंगे, अनहाइड करेंगे बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स को। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग रेलिंग वगैरह को बनाएंगे। तो रेलिंग के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं वॉल वाले ले रही हूँ, मैं यहाँ पे ग्लास ले नहीं ले रहे अभी। तो यहाँ से ले लेंगे रेक्टेंगल को एंड इस स्टेप से आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ करना है। देन उसको एक्सट्रूड करना है आपको यहाँ से 9 इंचेस एंड अप की तरफ हम इसको लेके जाएंगे 3 फिट एंड 6 इंचेस। तो इतना रखेंगे आप, यहाँ से ओवरऑल साइज को चेक कर सकते हैं, ये 4 फिट एंड 3 इंचेस है। 2 इंच का मैं यहाँ पे एक अलग से बॉक्स बनाऊंगी। तो मैं इसको यहाँ से 2 इंच बॉटम की तरफ प्रेस कर रही हूँ, सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देन आपको एक रेक्टेंगल बना देना है एंड उसको आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सट्रूड करना है अराउंड 1 इंचेस। आप 2 इंच भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ से अभी 1 इंच किया है इसे। तो इन दोनों साइड से हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे या फिर इस वाली साइड से आप रहने दीजिए, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक वॉल यहाँ पे ड्रॉ होनी है। तो एक तरफ करेंगे इसे एंड यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इस वाली वॉल के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इसको हम पीछे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मैं इसी को यहाँ से मतलब बिल्कुल फ्रंट तक ले लूँगी इसे। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको एक पेंसिल को ड्रॉ करना है एंड इसको यहाँ से सिलेक्ट करके फेस को बॉटम तक ले जाएंगे। सिमिलरली इस वाले फेस को करेंगे, यहाँ से इस लाइन को रिमूव कर देना आपको। देन ये वाला जो ग्रुप है इसमें जाना है आपको, कंट्रोल के साथ जाएंगे इतने पोर्शन में और उसको यहाँ से इस तरीके से एक्सट्रूड करेंगे। सिमिलरली इस वाले पार्ट के साथ इंच, इसको रिमूव कर देंगे लाइन को। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस फेस के अंदर वॉल को ड्रॉ करना है। ये यहां तक रहेगा पोर्शन हमारा, तो इसको सिलेक्ट करेंगे आप और इसको इस पोर्शन तक रखेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, मैं आपको इमेज शो कर देती हूँ। कुछ इस टाइप का इफेक्ट आपको बनाना है यहाँ पे, मतलब इस टाइप का कुछ पिलर टाइप का बनाना है आपको। तो देखिए इस वाले पोर्शन को हम कवर कर चुके हैं, देन हमें क्या करना है, यहाँ से इसके अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये एल शेप के अंदर कुछ बनेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से रहेगा जो हमारा नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है एंड इतने पोर्शन के अंदर हमें यहाँ पे इस टाइप से ब्रिक वर्क करना है। तो हम पहले इस वाले पार्ट में रेलिंग बना लेंगे, देन मिड वाले पार्ट से हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को ड्रॉ करेंगे। तो इस वाले पोर्शन में रहेगी हमारी रेलिंग वाला पार्ट, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इस वाले पार्ट में आपको विजिबल होगा इतने पोर्शन के अंदर हमारी रेलिंग रहेगी। तो इसको पहले हम करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इतना रखना है इसको, इसको इस पोर्शन तक रखना है आपको। देन आपको यहाँ से ले लेनी है पेंसिल को और इतने पोर्शन के अंदर आपको क्या करना है, मिड से एक लाइन को क्रिएट करना है।
लाइन को क्रिएट करने के बाद आपको इस लाइन को सिलेक्ट करना है एंड इसको यहाँ से हम डिवाइड करेंगे टू सेगमेंट्स के अंदर। एक लाइन को आपको सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देंगे। देन आपको लेनी है यहाँ से पेंसिल को, इस वाले पार्ट से आपको 2 फिट राइट की तरफ मूव करना है। देन इस वाली लाइन को रिमूव करेंगे और यहाँ से इस वाले पोर्शन से भी हमको कितना मूव करना है, यहाँ पे 2 फिट। 2 फिट मूव किया यानी इस वाले पोर्शन में तो जो हमने लाइन को ड्रॉ किया है इतने पोर्शन में तो हमारी जाली वाला प्लेस होगा। तो 9 इंच का हम दोनों तरफ पे क्या देंगे, ब्रिक वर्क देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे इस टाइप से, थोड़े से पार्ट को हम एक्सट्रूड करेंगे। 9 इंच एक्सट्रूड कर रही हूँ मैं इसे, या फिर हम इसको 4.5 इंचेस रखते हैं, इतना रखा आपने। देन आपको इसको एक्सट्रूड कर देना है। किस पार्ट तक रखेंगे आप इसे, ये जो लाइन है हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है वहाँ तक रखेंगे, या फिर मिड से किया था हमने इसको। अगर आप मिड से करें तो आप 2 फिट रख सकते हैं डायरेक्ट, अदरवाइज आप उसको उतना रख सकते हैं। तो सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट इसको रिमूव कर देते हैं, इसको ग्रुप बना लेते हैं ताकि वो एग्जिट पॉइंट को यहाँ पे डिटेक्ट कर सके। इस तरीके से देन बाहर जाएंगे आप एंड इस वाले पार्ट को भी करना है आपको। इसके बाद इस वाले पोर्शन तक तो ये कॉमन रहेगा, मतलब 9 इंच का ऑफसेट देंगे हम इसमें एंड ये बिल्कुल जाली वाला प्लेस रह जाएगा हमारा। तो ये देखिए इस वाले पोर्शन में तो क्या है, जाली है, तो यहाँ से आपको कितना मूव करना है, 9 इंचेस। सिमिलरली इस वाले पार्ट से करेंगे आप, कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ से कितना करेंगे, 9 इंचेस। देन यहाँ से इस वाले पार्ट तक तो क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल कॉमन रहेगा, मतलब फ्लैट रहेगा, बीच में हमें जाली को प्लेस करना है। तो इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा पीछे की तरफ एंड देन आपको कितना मूव करना है यहाँ से, ये जो डोर है यहाँ पे विंडो वगैरह प्लेस है तो इसके लेवल तक जाएगा, ये 1 फिट का यहाँ पे गैप देंगे एंड इसके लेवल तक जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से एक्सट्रूड कर लेते हैं इस पोर्शन तक एंड देन कितना मूव करना है आपको यहाँ से, 1 फिट, इतना हो गया। देन आपको ले लेनी है पेंसिल को एंड यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो पहले इसका एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे इस तरीके से, देन इस लाइन को यहाँ पे क्या करेंगे आप, ड्रॉ करेंगे। तो इस पोर्शन के अंदर आपको जाली को क्या करना है, प्लेस करना है। तो प्लेस करने के लिए आपको कितने इंच का ऑफसेट देना था यहाँ पे, 9 इंचेस का। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ऑफसेट को, ऑफसेट लेंगे और कितना इंच का देंगे यहाँ से, या तो 9 इंच का दे सकते हैं या फिर आप क्या दे सकते हैं यहाँ से, 1 फिट का भी दे सकते हैं। सो इस वाले पोर्शन में जाली को प्लेस करना है, तो सिलेक्ट करेंगे उस पार्ट को और उसको मूव करते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। हो गया ये, सो ये वाला पार्ट तो हमारा बन गया जहाँ पे आपको जाली को क्या करना है, प्लेस करना है। अब जाली आप 3D वेयर हाउस से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है वेयर हाउस पे और यहाँ से आपको सर्च करना है जाली। तो यहाँ से क्या सर्च करना है आपको, जाली, तो आप यहाँ से टाइप करेंगे एंड आप CNC जाली डाल सकते हैं बिकॉज उसका नाम है ये एंड नॉर्मल आप जाली भी डाल सकते हैं। तो आपको जो भी चूज करना है आप इसको यहाँ से चूज कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे आप इसे और क्या कर लेंगे, सिंपली यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। अभी क्योंकि साइज है ये थोड़ा बड़ा है तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसे रीसेट कर सकते हैं। तो आपको स्केल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको डॉट शो हो जाते हैं, तो यहाँ से मिड वाला चूज करेंगे आप और सिंपली क्या कर लेंगे उसको अपने मॉडल के अकॉर्डिंग या अपने साइज के अकॉर्डिंग जितने प्लेस में आपको इसको प्लेस करना है आप उसे रीसेट कर सकते हैं, रीस्केल कर सकते हैं इस तरीके से। तो जाली हमारी प्लेस हो गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ग्लास रेलिंग को प्लेस करना है। तो सबसे पहले जैसे ये वाला पोर्शन है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वॉल नहीं बनाएंगे, सबसे पहले इसको एक्सट्रूड करेंगे। तो यहाँ से ले लीजिए इस पॉइंट को एंड इस तरीके से 2 रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दीजिए, देन उसको एक्सट्रूड कर लीजिए ओनली इस वाले पार्ट तक ताकि वो एक ही पार्ट के अंदर विजिबल हो। देन आपको यहाँ पे ले लेना है पेंसिल को और कितना रखना है आपको यहाँ से इसे, 9 इंचेस। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे इसे।
सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, इसे ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि आपको विजिबल है कि इस तरीके से जाएगा, ठीक है, तो आप इस पर डबल क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ पे आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस को लॉक कर लीजिए, तो ये आपको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे कि किस पॉइंट के अंदर आपको इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, एंड बाद में आप क्या कर लेंगे, इसको रीसेट कर लेंगे। देन लाइन को रिमूव कर देंगे हम। रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आपको प्लेस करना है, बट जैसे कि हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया है, तो या तो आप इसको इतने पोर्शन तक ही रखिए ताकि दोनों जगह पे पार्ट में इक्वल रहे वो, या फिर आप उसको रीस्केल कर लीजिए। तो अभी के लिए मैं इतना ही रख रही हूँ, 9 इंचेस रखेंगे यहाँ से हेयर, ताकि मैं इसको स्केल कर सकूँ। देन डबल क्लिक करेंगे, इस टाइम आपको कंट्रोल के साथ मूव करना है ताकि वो क्या कर दे, यहाँ पे एजेस को डिवाइड कर दे। यहाँ तक रखेंगे, देन इसको रिमूव कर देंगे लाइंस को। इसके बाद सेम को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर रही हूँ और उसको कॉपी कर रही हूँ। डबल क्लिक करेंगे इसे, या फिर आप बाहर की तरफ, इसे 9 इंचेस है, ठीक है, तो आप डबल क्लिक कीजिए और इसको यहाँ से 8 इंच बॉटम की तरफ एक्सट्रूड पुश कर दीजिए। देन 1 इंच दोनों की तरफ हम बाहर की तरफ इसे यहाँ पे एक्सट्रूड करेंगे। इस तरीके से आपको क्या बना लेना है, यहाँ पे इस पे क्या आएगा, यहाँ पे मार्बल वाला वर्क देंगे हम, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्लास रेलिंग को प्लेस करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से पेंसिल को ले लेना है एंड इसके मिड से क्या करेंगे आप, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको इसको रिमूव कर देना है एंड यहाँ से पेंसिल लेंगे। अब यहाँ से 0.7 इंचेस का थिकनेस ले रही हूँ मैं ग्लास के लिए, इतना रखेंगे 0.7 इंचेस एंड इस टाइप से आप इसको ड्रॉ करेंगे। देन इस पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। बीच वाली लाइन को रिमूव करेंगे और इसको ओवरऑल कितना स्केल करना है, मीन हमें इसको टोटल 4 फिट करना है, ठीक है। सो हम लोग इसमें 10 इंचेस का ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं एंड 2 इंचेस का हमें गैप रखना है, सो ओवरऑल हमारे पास 3 फिट बचता है, जिसके अंदर से आपको हैंडल को भी प्लेस करना है। सो 4 इंचेस हमें वहां से गैप रखना होगा, तो हम इसे 2 फिट एंड 8 इंचेस क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। तो सिलेक्ट करना है आपको इसको 2 फिट एंड 8 इंचेस इसको यहाँ से एक्सट्रूड करना है। ये हमने गलत डायरेक्शन में कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से कर लेना आपको। देन ग्रुप के बाहर जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको अप की तरफ एक्सिस को लॉक कर लीजिएगा एंड 2 इंचेस क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बीच में गैप देंगे। गैप देने के बाद सेम वापस से पेंसिल ले लेना है आपको एंड ये वाले पोर्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज यहाँ पे विंडो भी रहेगी, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसको हल्का सा हम क्या कर देंगे, यहाँ से मूव कर देंगे। अभी ठीक है ये, देन पेंसिल ले लीजिए और इसके मिड से जो मिड वाला पार्ट है वहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करना है। ये क्या रहेगा, हमारा हैंडरेल का पाथ रहेगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है आपको, ग्रुप में कन्वर्ट करना है, या फिर ग्रुप में कन्वर्ट मत कीजिए, जस्ट सिलेक्ट कर लीजिए उसे और सिंपली उसको मूव कर दीजिए। पहले तो इसको अप की तरफ करेंगे 2 इंचेस,
देन आपको ले लेना है यहाँ से एक शेप, और बिकॉज ये जस्ट हमने पाथ बनाया है तो उसके बाद आपको शेप देनी है, तो यहाँ से सर्कल ले लेना है आपको, और इस टाइप से कितने इंच का लेंगे, यहाँ से 1 इंच का लेंगे, सो दैट ओवरऑल ही 2 इंचज हो जाए। इसके जो सेगमेंट्स हैं इसको भी हमें बढ़ाना है, तो सिलेक्ट कर लेना आपको, एंटिटी इन्फो के अंदर जाना है और यहाँ से सेगमेंट्स को मैं ऐसे 50 कर रही हूँ ताकि वो स्मूथ हो जाए। अभी भी हल्का हल्का इसके अंदर गैप दिख रहे हैं, 50 की जगह मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ। इसके बाद आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको मूव करके इसके अप वाले फेस तक कर देंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से उस पाथ जो है उसको सिलेक्ट करना है आपको। पाथ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जाना है फॉलो मी टूल पे और उस शेप पे क्लिक करना है। जैसे आप शेप पे क्लिक करते हैं जितने पोर्शन के अंदर क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो हैंडल है वो इजीली ड्रॉ हो जाएगा। सेलेक्ट कर लिया आपने, अब यहाँ से आपको वापस से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पहले तो इसको ग्रुप बना लीजिए एंड देन सिलेक्ट कर लीजिए जो चारों चीज़ें आपने बनाई हैं, ठीक है। आप उसके बाद इसके मूव कर सकते हैं सिंपली, तो हम कंट्रोल के साथ मूव करेंगे, इसे इस पॉइंट पे रखेंगे एंड देन इसको क्या करेंगे, आप यहाँ से फ्लिप करेंगे अलोंग रेड डायरेक्शन। फ्लिप किया आपने, देन इसको क्या करना है, इसके करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से जैसे हमने इसको थोड़ा एक्सट्रूड कर दिया था अंदर की तरफ, तो हम इसको भी करेक्ट करेंगे, यहाँ से इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ तक रखेंगे। देन हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमने बीच में इस पर थोड़ा सा गैप दिया है,
सो आपको गैप किस अकॉर्डिंग देना है, यहाँ से इतने पार्ट के अंदर हम देंगे, मीन्स हम इतने पार्ट में क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे। सो आपको करना क्या है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इस फेस को, और इस वाले पार्ट से आपको एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पे इस वाले पार्ट पे आपको रिमूव करना है, तो यहाँ से हम बना लेंगे इस रेक्टेंगल को। देन इस वाले पोर्शन में हमें क्या करना है, एक अलग से बनाएंगे हम रेक्टेंगल को, और उसको यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे, यहाँ तक रखेंगे। एंड यहाँ से कितना रखना है आपको, इसे जो विंडो है यहाँ पे उसके अलोंग रखेंगे हम इसे, तो इतना रख लेंगे। देन कंट्रोल के साथ जाएंगे नीचे, जितना ये वाला पार्ट है 9 inches है ये, तो यहाँ से भी आपको 9 inches जाना है, इसको यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे। तो यहाँ तक रखना आपको इसे, एंड देन कितना लेना है यहाँ से 9 inches। इतना करने के बाद यहाँ से इन एजेस को रिमूव करना है। सिलेक्ट करेंगे और किस पे कन्वर्ट करेंगे हम इसे ग्रुप के अंदर। इसके बाद यहाँ पे जो ये रेलिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या किया हुआ है हमने, इस वाले पार्ट से एक हमने एमएस पाइप का यूज किया हुआ है। तो एमएस पाइप का थिकनेस कितना लेना है आपको, यहाँ से 2x2 का लेंगे हम, 1/2 inches का लेंगे हम यहाँ से इसे। एंड इस वाले पार्ट को भी आपको हल्का एक्सट्रूड कर देना है, लास्ट तक रखेंगे हम इसे। देन आपको ले लेना है पेंसिल को, इसके मिड से लेंगे हम, आपकी तरफ जाएंगे, पहले 2 inch का गैप देंगे, एंड देन आपको क्या करना है, 2 inch का एक बॉक्स बना लेना है, मतलब जिसका लेंथ भी 2 हो एंड जिसका ब्रेड भी कितना हो यहाँ पे 2 inches हो। रिमूव करेंगे इसे और क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट करना है इसे और ग्रुप के अंदर इसको कन्वर्ट कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इसको हमने क्या किया हुआ है, आप मॉडल में देख भी सकते हैं, इसको हमने थोड़ा सा आगे की तरफ इसको स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है, एंड इसको यहाँ पे आपको एक अलग से बॉक्स बना लेना है, एंड इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, बिकॉज हमने कॉपी किया था। एंड इस वाले प्लान में क्या है, ये थोड़ा सा आगे की तरफ है और नॉर्मल प्लान में ये पीछे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा एक्सट्रूड होगा, तो आपको पहले तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई को प्रेस करेंगे इनवर्ट को सिलेक्ट करने के लिए। देन उसको यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड प्लान को सिलेक्ट कर लीजिएगा, देन कंट्रोल शिफ्ट एंड आई को प्रेस करेंगे और प्लान को क्या कर देंगे, बाकी पोर्शन को यहाँ से हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे विजिबल भी होगा, ये यहाँ तक है एंड ये वाला पोर्शन हमने इसको थोड़ा सा बैक की तरफ मूव किया हुआ है, तो इस पॉइंट से पिक करते हैं इसे। और यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे, तो इतना पोर्शन आगे जाएगा यहाँ पे, तो इस पे डबल क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको सबसे पहले तो आप डिवाइड करेंगे,
इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली क्या है, मैं आपको शो कर देती हूँ, कुछ इस टाइप का है। तो या तो आप इसी को एक्सट्रूड कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको पीछे की तरफ ले लीजिए एंड बाहर की तरफ आप एक अलग से रेक्टेंगल बना लीजिए इस तरीके से, ताकि आपको मटेरियल अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना आए। देन आपको क्या करना है, यहाँ से ले लेना है ऑफसेट वाला ऑप्शन, यहाँ से आप ऑफसेट लेंगे और इसको यहाँ से कितना इंच ऑफसेट करना है इस पार्ट तक, ठीक है। तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं एंड देन बीच वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है आपको, और इसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद बाकी पोर्शन को आपको इसको यहाँ से बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना है 3 इंचेस एंड इस वाले पार्ट को हम अप करके इस वाले पार्ट तक ले जाएंगे। तो इस टाइप का ड्रो हो जाएगा। देन आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये वाला पार्ट बना लेंगे एंड यहाँ से देखिए ये वाला जो 3 इंच है ये कम्प्लीट हमने लिया है। देन इस वाले पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ से जैसे अगर ये 9 इंच का ऑफसेट है तो ये अराउंड 27 इंचेस का है, ठीक है। और इसको यहाँ से 3 इंच और एक्सट्रूड करेंगे। तो इस टाइप से बनाना आपको। इतना करने के बाद यहाँ पे इस वाले पार्ट में भी आपको विजिबल होगा ये 7 फिट के बाद वाले पार्ट में हमने क्या लगाई हुई है, यहाँ पे होल को क्रिएट किया हुआ है जो कि अब तक जाएगी एंड बाकी पोर्शन में हमने क्या किया है, यहाँ पे ग्लेजिंग का वर्क किया है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट में वॉल रहेगी हमारी, तो यहाँ पे इस तरीके से आप एक वॉल बना लेंगे सिंपल। देन उसको हमें क्या करना है, यहाँ से पहले अब तक ले जाते हैं इस वाले पार्ट तक, कंट्रोल के साथ जाते हैं नीचे 3 फिट, ठीक है। इस वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे आप यहाँ से और एंड देन इसको ये क्या करेंगे हम लोग, एक्सट्रूड करेंगे इस पार्ट तक, ठीक है। तो इस टाइप से ड्रो हो जाएगा, ये सिलेक्ट कर लीजिए और किस में कन्वर्ट कर लीजिए इसे, ग्रुप के अंदर। कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, बाकी पोर्शन को यहाँ से हाइड करेंगे एंड इस वाले पार्ट को भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करना है बिकॉज ये ओवरलैप कर रहा था वहां पे। एडिट करेंगे, अनहाइड करेंगे एंड ओल करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से एक क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इस वाले पोर्शन में क्या बनाना है, इस टाइप के ग्रूव्स बनाने हैं। तो उसके बनाने के लिए यहाँ पे ये जो रेलिंग वाला पार्ट है ये जस्ट एक पोर्शन तक रहेगा एंड इस पोर्शन में आपको क्या बनाना है, यहाँ पे इस टाइप के आपको वॉल्स बनानी है, ठीक है। सो ये वाले पार्ट में जहाँ पे हमने इसको कंप्लीट रेल बनाया है, इसको आपको हल्का सा रिमूव करना होगा। ये हमारा रहेगा फर्स्ट पार्ट एंड मैं इसको आपको थोड़ा मूव करके दिखा देती हूँ, ये हमारी सेकेंड पार्ट रहेगी, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसके लिए पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं, फर्स्ट बना लिया हमने एंड सेकेंड बना लिया, इसको कर लेंगे इस पार्ट तक एक्सट्रूड, कंट्रोल के साथ जाएंगे यहां तक और इसको इस तरीके से क्रिएट कर देंगे।
देन हमने जो ये वाला पार्ट बनाया है इसको हमें क्या करना है, एक्सट्रूड करते हुए लेके जाना है एंड हमें इस वाले जो एज है ये वाली इसके अलोंग रखना है हमें। उस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जो एज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से आपको कितना लेना है, 9 इंचेस लेना है और इस टाइप से एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। देन इसको सिलेक्ट करना है आपको और उसको एक्सट्रूड करते हुए इस पार्ट तक लेके जाएंगे। इसके बाद जितने पोर्शन के अंदर हमने ये अप वाला पार्ट है वहाँ पे आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल को बना लेना है इस तरीके से, सिलेक्ट करना है उसको, ग्रुप में कन्वर्ट करना है, डबल क्लिक करेंगे और इस पार्ट को क्या करेंगे यहाँ से रिमूव करेंगे। देन इसको एक्सट्रूड करना है आपको 1 इंचेस। लास्ट जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे हमें क्या करना है, रेक्टेंगल बनाएंगे एंड देन उसको एक्सट्रूड करा देंगे एंड थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चैम्फर वाला वर्क भी करेंगे। तो यहाँ से ले लेना है आप रेक्टेंगल को, ये पोर्शन में एक लाइन को ड्रॉ करना है। इसको 6 इंचेस कंट्रोल के साथ एक्सट्रूड करेंगे और इसको यहाँ से क्या करना है आपको इस तरीके से दोनों तरफ ही इसको बाहर की तरफ पुश करना है। इसके बाद आपको इसमें डोर एंड विंडो को प्लेस करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से विंडोज़ के लिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल को चूज़ कर रही हूँ, आप 3D वेयर हाउस से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सटेंशन की हेल्प से इसको क्रिएट कर लूँ, ठीक है। तो इस टाइप से जिस भी पोर्शन में आपको चाहिए वहाँ पर आपको रेक्टेंगल को बना लेना है, देन इस पोर्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए वो आप बता सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 चाहिए एंड नंबर ऑफ कॉलम भी मुझे इसके अंदर 2 चाहिए। मिडिल पे सिलेक्ट करेंगे एंड क्रिएट विंडो फ्रेम करेंगे और उसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक कर देना। तो इस टाइप से एक विंडो क्रिएट हो जाएगी फ्रेम के साथ। तो आपको जहाँ पे भी इसको यूज करना है जस्ट आप उस पर सिलेक्ट कीजिए एंड इस तरीके से आप इजिली जो विंडो वगैरह है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पे भी मुझे चाहिए मैं इसकी इस तरीके से कॉपी ले लूंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे डोर को प्लेस करना है। तो डोर के लिए आप एक्सटेंशन से किसी डोर को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको 3D वेयर हाउस पे क्लिक करना है एंड यहाँ से जो भी डोर आपको चाहिए उसको आप जस्ट सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देन जहाँ पे भी आपको ये डोर चाहिए आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगर साइज बड़ा है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग से स्केल कर सकते हैं।
सो जितने भी डोर रहेंगे यहाँ पे मैं उसको सेम इसी को कॉपी करूँ उन सभी पोजीशंस पे। इसके बाद आपको उस प्लान को अनहाइड करना है। सो अनहाइड कर लेंगे प्लान को एंड देखिए ये वाला जो पोर्शन आएगा इसमें हमें क्या बनाना है, अपने बाउंड्री वॉल्स को बनाना है। तो यहाँ पे ये दो कॉलम है, ये वाला हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है एंड इसमें हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आपको इसको यहाँ से एक्सट्रूड करना है अराउंड 6 फिट। ड्रॉ कर देंगे, इसे सिलेक्ट करना है आपको और उसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो इस कॉलम को कॉपी करेंगे आप, यहाँ से इसे पिक करेंगे एंड इस वाले पोर्शन पे रख देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको इसको हाइड कर देना है एंड देन इस वाले पोर्शन में क्या करना है आपको, एक इसके इस वाले लाइन से लेके यहाँ तक आपको एक लाइन को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको उस लाइन को सिलेक्ट करना है और उसको डिवाइड करना है 3 सेगमेंट्स के अंदर। देन यहाँ से एक सेगमेंट लेंगे आप और इस स्टेप से एक बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली सेकेंड सेगमेंट में देन आपको उसको सिलेक्ट करना है और उसको हम यहाँ से कितना रख रहे हैं, 6 फिट है ना ये, तो आपको उसको 5 फिट एंड 6 इंचेस रखना है। 6 इंच का गैप देंगे इसमें, इसको हमें यहाँ से रखना है 5 फिट, या फिर आप
अभी के लिए इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए और यहाँ से इन एज को रिमूव कर दीजिए। एक्सप्लोर, इसका एक अलग से ग्रुप बनाएंगे आप एंड इस वाले पोर्शन में ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका अलग से ग्रुप बनाएंगे एंड मिडिल वाले के लिए हम इसका अलग से ग्रुप बनाएंगे। तो जस्ट मैं यहाँ से 5 फिट रख रही हूँ। सिलेक्ट करना है इसको भी और इसको भी क्या कर देना, ग्रुप के अंदर कन्वर्ट। देन आपको इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप्स बनाने हैं और इस वाले पोर्शन में आपको एक यू टाइप बनाना है, ठीक है। तो पहले इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इसको 1 फिट का हम लोग यहाँ से ऑफसेट दे रहे हैं। देन इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करना है आपको। रिमूव कर देंगे इस फेस को, इस वाले पार्ट को आपको थोड़ा आगे की तरफ लेके जाना है, 3 इंचेस ले रही हूँ मैं। सिमिलरली हम ऑफसेट देंगे बैक साइड में, आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, कंट्रोल के साथ मूव करना है यहाँ पे 1 इंचेस। इसके बाद यहाँ पे जो मेन गेट है मैं उसको प्लेस करना है। सो मैंने इस टाइप का कुछ मेन गेट ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, सो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रही हूँ। आप 3D वेयरहाउस से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इस वाले पोर्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पे जस्ट एक रेक्टेंगल बनाना है एंड देन उसको एक्सट्रूड करना है। तो यहाँ पे बना लेंगे आप, तो यहाँ से सबसे पहले पेंसिल को ले लेते हैं, 6 इंचेस का ले रही हूँ मैं यहाँ से इसको और इस टाइप से एक रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ।
एक्सट्रूड करेंगे पहले और उसको आगे की तरफ 1 फिट रखेंगे। देन सिलेक्ट करना है और उसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है। देन ये वाला जो पार्ट है इसको भी आपको कवर करना है, तो इसके लिए इसी के अंदर एडिट करेंगे हम, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने पोर्शन के अंदर वॉल है वहाँ पे आपको इस तरीके से एक वॉल को ड्रॉ कर देना है। रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद इसको यहाँ से एक्सट्रूड करना है आपको, इस साइड तक रखेंगे हम इसे। यहाँ पे हम जो मिडिल वाला है इसकी हाइट तक रख रही हूँ मैं, एंड यहाँ से इस पोर्शन को कॉपी कर रहे हैं, तो इसको पिक कर लेंगे एक किसी पॉइंट से और इसको यहाँ पे कंट्रोल के साथ जैसे आप मूव करते तो वहाँ पे वो कॉपी हो जाएगा। तो आपको एक पॉइंट पे रख देना है, देन इसको हम रोटेट करेंगे इस तरीके से। ओवरऑल हम इसे स्केल कर लेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे। इस वाले पोर्शन में हम इस पार्ट को ना रख के मैं यहाँ पे एमएस पाइप का यूज कर रही हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ से पेंसिल ले लेनी है और इसके मिड से हमें क्या करना है 2 इंच के एक रेक्टेंगल बनाना है। इस तरीके से, एंड इसको हम यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे। सिलेक्ट करेंगे पूरे पार्ट को और उसको कंपोनेंट के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से हम टाइप करेंगे एमएस पाइप एंड क्रिएट करेंगे, एंड इसके बाद हम इसकी कॉपीज ले लेंगे। तो सबसे पहले एक कॉपी लेनी है आपको, यहाँ से मैं 4 इंचेस का डिस्टेंस दे रही हूँ। देन आपको यहाँ से एक्स टाइप करना है एंड आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज टाइप कर देनी है। सेम हम इस पार्ट में कर रहे हैं, मतलब इतने पोर्शन के अंदर वॉल बनाएंगे एंड बाकी इस पोर्शन के अंदर हम नॉर्मली एमएस पाइप का यूज करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे फुटपाथ एंड रोड को बनाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से सबसे पहले पेंसिल ले लेनी है और यहाँ से आप एक रैंडम बॉक्स को क्रिएट करेंगे। आप रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं सिंपल, यहाँ से क्या करना है आपको एक रैंडम बॉक्स को क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद आपको उसको एक्सट्रूड करना है अराउंड 7 फिट। तो इतने पोर्शन में हम फुटपाथ रखेंगे, 20 फिट का हम लोग यहाँ से रोड ले रहे हैं एंड कंट्रोल के साथ वापस जाएंगे अराउंड 7 फिट। देन इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको ग्रुप के अंदर ही हम कन्वर्ट करेंगे। सिलेक्ट करना है आपको इसको और बॉटम की तरफ पुश कर रहे हैं। देन यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है और उसको यहाँ से एक्सट्रूड करना है 3 फिट। ठीक है, इसको यहाँ तक रखेंगे आप, एंड इस वाले पोर्शन को हमें कहाँ तक रखना है, जस्ट ये वाला जो पार्ट है हमारा,
यहाँ तक रखेंगे। देन इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक आर्क बना लेनी है। तो इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट देंगे, सेकंड पॉइंट देंगे और यहाँ पे आप एक आर्क को सिंपली ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इतना जो पार्ट है यहाँ से आपको उसको सिलेक्ट करना है और उसको कंट्रोल के साथ मूव करना है। मूव करेंगे इसे और इसे फ्लिप कर देंगे हम यहाँ से अलोंग रेड डायरेक्शन। देन इसको आपको प्लेस कर देना है इस पॉइंट के ऊपर। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइंस है यहाँ पे आपको उसको रिमूव करना है। ये वाली जो एज है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से मूव करके बॉटम की तरफ ले जाएंगे। ब्लू एक्सिस को आप लॉक कर लीजिएगा अप एरो को प्रेस करके। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इन दोनों के बीच में भी लेवल्स देंगे। सो यहाँ से जो रोड रहेगा तो आप उसको यहाँ से 1 फिट बॉटम की तरफ क्या करेंगे, अपुश करेंगे
देन आपको ले लेना है यहाँ से आर्क को और यहाँ पे इस तरीके से एक सिंपल सी आर्क को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको पुश पुल वाला ऑप्शन लेना है और यहाँ से हम क्या करेंगे उसको इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर तक ले जाएंगे ताकि वो जो सरफेस है वो यहाँ पे स्मूथ हो जाए। सिमिलरली इस वाले पार्ट में करेंगे हम। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन रहेगा यहाँ पे हमें क्या करना है, हम लोग वॉल बनाएंगे बट हम लोग उसको स्मॉल रखेंगे ताकि हम लोग इसमें बाकी चीज़ों को ऐड कर सकें। या तो आप कंप्लीट वॉल ले सकते हैं यहाँ पे 6 फिट का, या फिर आप नॉर्मली जैसे इतने पोर्शन में वॉल ले लीजिए एंड बाकी ऊपर के पोर्शन में आप कोई गेट वगैरह को प्लेस कर सकते हैं या फिर आप कुछ और एडिटिंग भी कर सकते हैं इसमें। इसके बाद हमें इसमें मटेरियल को प्लेस करना है, तो मटेरियल को प्लेस करने के लिए आपको यहाँ से स्केचअप के मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर अगर आपको बाहर से कोई मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आपको क्रिएट मटेरियल के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से जो भी आपकी फाइल है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से ओपन कर दीजिए। तो ओपन करते ही क्या होगा, आपका जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, इस सीन के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको चाहिए आप उसको इजीली वहाँ पे सिलेक्ट करके उस पार्ट को आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई स्केचअप के अंदर जो ऑलरेडी मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं वहाँ से चाहिए तो आप सिंपली उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मुझे इस पर ग्लास पे अप्लाई करना है तो मैं ग्लास एंड मिरर को सिलेक्ट करूँगी एंड जिस भी पोर्शन में मुझे चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड सिंपली सेम तरीका रहेगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आप इसकी ओपेसिटी वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको एडिट टैब में जाना है, यहाँ से आपको इसकी ओपेसिटी मिल जाती है तो आपको उसको कितना विजिबल रखना है एंड कितना आपको उसको इनविजिबल रखना है इसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कलर वगैरह के लिए आपको यहाँ पे पूरा कलर व्हील मिल जाता है, तो जिस भी कलर का आपको यहाँ पे ग्लास चाहिए या फिर कोई मटेरियल है उसमें आपको चेंज करना है सो वो सब भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अगर आपको रीसेट करना है कलर को तो जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। तो जितने भी मटेरियल रहेंगे मैं सेम तरीके से उन सभी पे मटेरियल को अप्लाई कर दूंगी। Thank you.
इसके बाद हमें इसके अंदर कंपोनेंट्स वगैरह को प्लेस करना है, तो उसके लिए आप 3D वेयरहाउस का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इस पर एनस्केप के अंदर रेंडरिंग कर रही हूँ, सो मैं इसमें एसेट लाइब्रेरी का यूज़ करूँगी, जिसमें एनस्केप में आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जो कि दिखने में काफ़ी रियल होते हैं। तो मैं यहाँ से यूज़ कर रही हूँ इसे, तो आपको यहाँ पे कैटेगरीज मिल जाती हैं कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको सर्च करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से उसे देख सकते हैं, जैसे मुझे वेजिटेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, अगर मुझे प्लांट्स वगैरह के बारे में चाहिए तो जो भी आपको प्लांट यहाँ पे चाहिए जस्ट आपको उस पर सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे सिंपली उसको अप्लाई कर देना है। ये सभी के लिए रहेगा, चाहे आप प्लांट के लिए डील कर रहे हो या फिर आप व्हीकल वगैरह चाहते हैं आप, तो कैटेगरी वाइज आपको सिलेक्ट करना है इसमें एंड जो जो ऑप्शन आपको चाहिए जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है एंड आप उसको अपनी सीन के अंदर यूज कर सकते हैं।
इसके बाद हम इसके अंदर लाइटिंग करेंगे। तो लाइटिंग के लिए आप कोई 3D लाइट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सिंपली उसको सर्कल की हेल्प से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इस टाइप से सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। जैसे मैंने इसमें 2 इंच का रेडियस ले लिया है, ठीक है, तो इस टाइप का आपको सर्कुलर बना लेना है। देन आपको उसको क्या करना है, यहाँ से एक्सट्रूड करने से पहले सबसे पहले तो हम इसके सेगमेंट्स को चेक करेंगे। तो इसके सेगमेंट्स को आपको स्मूथ रखना है, तो जितने ज़्यादा सेगमेंट देंगे उतने ही सर्कल वहाँ पर स्मूथ बनेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैंने 2 इंच एक्सट्रूड किया है। देन आपको इसमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे ऑफसेट देना है। देन सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा आपकी तरफ यहाँ पे हम लोग मूव करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसे और इसे कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से क्रिएट कर देना आपको, क्रिएट करने के बाद जिस जिस पोर्शन के अंदर आपको ये चाहिए जस्ट आपको उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से उस पोजीशन पे आपको इसको प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है उस पर और आपको यहाँ से कोई मटेरियल को चूज कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से कलर को चूज कर रहे हैं, थोड़ा वार्मिश येलो कलर में यहाँ पे यूज कर रही हूँ। एंड जो मिड वाला पार्ट है उसके ऊपर आपको उसको अप्लाई करना है। देन एंडस्केप मटेरियल के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेल्फ इल्यूमिनेशन को ऑन करेंगे। आप यहाँ से एंडस्केप को ओपन कर लीजिएगा तो यहाँ पे ये आपको जो सीन है वो यहाँ पे आपको विजिबल होगा। तो यहाँ से इल्यूमिनेशन को ऑन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप का इफेक्ट आएगा। शिफ्ट एंड राइट की को प्रेस करेंगे नाइट व्यू को एक्टिवेट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको उसको इफेक्ट भी दिख जाएगा कि किस टाइप का इफेक्ट आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ से जाते हैं हम और इसके इल्यूमिनेशन को हम यहाँ से इनक्रीज करते हैं। अभी विजिबल नहीं हो रहा है, इसमें जाएंगे आप विजुअल सेटिंग्स के अंदर और यहाँ से जो लाइट ब्राइटनेस है इसको आप इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे आपको उसका इफेक्ट शो होने लगेगा। आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो जो कलर आपको चाहिए जस्ट आपको वहाँ से उसको सिलेक्ट करना है और उसको आप इजीली वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इस वाले पोर्शन में मैं एक सर्कुलर शेप में सिलेंड्रिकल शेप में एक लाइट बना रही हूँ। सबसे पहले एक सर्किल ले लेंगे और यहाँ से इस टाइप से इसको ड्रॉ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फेस को और यहाँ से उसके सेगमेंट्स को इंक्रीज करेंगे। देन आपको उसको सिलेक्ट करना है और उसको इस तरीके से यहाँ पे उसको एक्सट्रूड करना है।
सिलेक्ट करना है इसको और इसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे एंड देन इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। मिड से सिलेक्ट करेंगे इसे और इस पोर्शन के यहाँ पे मिड में रखेंगे। इतना करने के बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर हम लोग लाइट लगाएंगे। तो लाइट के लिए मैं यहाँ से एनस्केप लाइट्स का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है स्पॉट लाइट को और किसी भी एक जो जेड एक्सिस है उसके अलोंग हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देंगे यहाँ से, इस तरीके से आपको पॉइंट्स को डिफाइन करना है। तो फोर स्टेप्स के अंदर ही लाइट क्रिएट होगी यहाँ पर और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इसको इसके अंदर प्लेस कर देना है। सेम हम इसकी कॉपी ले लेंगे एक अप की तरफ एंड इसको क्या कर देंगे, हम लोग इस पर फ्लिप कर देंगे। तो सिलेक्ट करेंगे, फ्लिप करेंगे अलोंग ब्लू डायरेक्शन और उसको मूव करके अप की तरफ ले जाएंगे। यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है आपको लाइट को। लाइट को सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी यहाँ से इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड यहाँ से हम इसके बीम एंगल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इतना इंटेंसिटी रखेंगे हम इसका और इसके बीम एंगल को भी आप इंक्रीज या डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन जिस पोर्शन के अंदर थोड़ा डार्कनेस शो हो रहा है वहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल लाइट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से ले लेंगे रेक्टेंगल लाइट एंड जितने पोर्शन के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है सबसे पहले तो हम वहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो वहाँ से जो डार्कनेस वाला पोर्शन है वो आपका रिमूव हो जाएगा। इसके बाद लास्ट आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको एक शैंडलियर को ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से सर्च करूँगी एसेट लाइब्रेरी के अंदर। लाइटिंग वाली कैटेगरीज में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे शैंडलियर वगैरह मिल जाते हैं, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या आप 3D वेयरहाउस से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप भी इस मॉडल को डिज़ाइन कर सकते हैं। लास्ट स्टेप जो इसमें रहेगा उसके अंदर हमें इस मॉडल की रेंडरिंग लेनी होगी। सो रेंडरिंग लेने के लिए सबसे पहले तो आपको इसमें साइज़ को सेट करना है। तो आपको यहाँ से जाना है विजुअल सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। कैप्चर के अंदर जाएंगे और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो साइज़ है उसको आप सेट कर सकते हैं। अल्ट्रा HD पे चाहिए आपको या फिर कस्टम पे चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं कस्टम चूज़ कर सकते हैं, फिर अल्ट्रा HD कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से फ्रेम पर सेकंड्स को बढ़ा सकते हैं अगर आप वीडियो ले रहे हैं तो। बट जब आप कैप्चर करते हैं ओनली इमेज को तो उसके अंदर इसका कोई रोल नहीं होता है। जस्ट इसके अंदर आपको इसमें सेट करना है इमेज को और आप इसकी डेप्थ रेंज को चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे एंड स्केचअप मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेक स्क्रीनशॉट का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस टाइप का ऑप्शन आ जाता है, तो जैसे आप जाते हैं तो ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये रेंडरिंग के अंदर विजिबल नहीं होता है। तो जिस भी तरीके से आपको रेंडरिंग चाहिए आप इसमें सेट कर लीजिए। एंड सेट करने के बाद यहाँ से जाएंगे हम स्केचअप मॉडल पे एंड यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपका किस फाइल के अलोंग आपको उसको सेव करना है। जस्ट आपको उसका पाथ डिफाइन करना है, यहाँ से देंगे जो आप नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ से नाम दे सकते हैं, फाइनल इमेज। एंड हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको आप फॉर्मेट चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर आपको चाहिए, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से जो इमेज है वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेंडर हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किस टाइप के वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं उसका सजेशन भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।